हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फिल्मी टॉक्स के एपिसोड 8 पे आप लोग का स्वागत है। आज काफ़ी सारे न्यूज़ है, शाहरुख खान के बारे में, सलमान खान के बारे में, ऋतिक रोशन के बारे में, अल्लू अर्जुन के बारे में, महेश बाबू के बारे में, तो काफ़ी सारे न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से लाइक कीजिए। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं महेश बाबू के बारे में। तो KGF का डायरेक्टर प्रशांत नील के नेक्स्ट फिल्म में महेश बाबू एज ए लीड हीरो नजर आ सकते हैं। न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशांत नील ने महेश बाबू को एक स्टोरी सुनाई और महेश बाबू को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। और ऐसा बात चल रहा है कि आफ्टर KGF 2 के शूटिंग के बाद प्रशांत नील और महेश बाबू एक साथ शूटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और न्यूज में ऐसा भी बताया जा रहा है कि यह फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगा। जी हाँ, न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि यह फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगा, बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन के बारे में। तो अल्लू अर्जुन की 19th फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन एट प्रेजेंट बिजी है, बट ऐसा भी बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के 21th फिल्म, जिसका नाम आइकॉन बताया जा रहा है, ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो सकता है। जी हाँ, ये भी फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो सकता है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बात है कि कोई भी साउथ एक्टर जो नॉर्थ में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, वो पहले नंबर पर आता है अल्लू अर्जुन और दूसरे नंबर पर आता है महेश बाबू। जब उनकी फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगा, हिंदी में भी रिलीज होगा, तो क्या होगा बॉक्स ऑफिस का हालत, आप अंदाजा लगा सकते। तो आप महेश बाबू के फैन है या अल्लू अर्जुन के फैन है, आप नीचे कमेंट पर जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आप बात कर रहे थे सलमान खान के बारे में। तो ईद 2020 में सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज होगा? तो न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि ईद 2020 में सलमान खान की फिल्म, जो कोरियन फिल्म का रीमेक हो सकता है, जिसे डायरेक्ट करेंगे प्रभु देवा। जी हाँ, कोरियन फिल्म का रीमेक जिसे डायरेक्ट करेंगे प्रभु देवा, ऐसा बताया जा रहा है कि 2020 में ईद के मौके पर सलमान खान की यह फिल्म आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन के बारे में, ऋतिक रोशन के बारे में। तो उनकी फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। उनके साथ टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे वार फिल्म में, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज नहीं है, ऋतिक रोशन की नेक्स्ट फिल्म के बारे में न्यूज है कि रामायण फिल्म में ऋतिक रोशन राम के किरदार में नजर आ सकते हैं। और उनके साथ उनके ऑपोजिट रावण के किरदार के लिए साउथ के स्टार प्रभास को भी कास्ट किया जा सकता है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं शाहरुख खान के बारे में। तो धूम 4 से रिलेटेड न्यूज है, ऐसा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि धूम 4 में शाहरुख खान के साथ कटरीना कैफ भी नजर आएंगे। जी हाँ, ऐसा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, और ऐसा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि शाहरुख खान के साथ कटरीना कैफ नजर आएंगे धूम 4 में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की ऐसे फेक न्यूज को बिलीव मत करिए, क्योंकि ये फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें।